नमस्कार, बिजनेस गली में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज भारत हेल्थ केयर के क्षेत्र में आसमान छू रहा है। स्पीच थेरेपी के क्षेत्र में भी भारत दुनिया भर में अग्रणी बनता जा रहा है। इसमें बेंगलुरु के एक स्पीच थेरेपिस्ट संजय कुमार का वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, इन दैट केस द वॉइस बिकम वेरी हॉर्स एंड द ब्रीदिंग, सो दोस काइंड ऑफ पेशेंट आल्सो विजिट अवर सेंटर। And other is functional euphonia. The person is absolutely normal and suddenly voice has gone. So sometimes the reason will be the psychological also, but apart from the psychotherapy, they require the speech therapy. So in that case, we also have seen very good result. So I can say correcting feminine voice to the masculine voice and correcting the voice problem due to the vocal cord paralysis and the functional euphonia, the sudden loss of the voice. So there we have done a good work, what I feel personally. And apart from that, we deal with the other communication disorder like stammering. Stammering also we work and take care of the people, those are having the stammering and the mispronunciation or misarticulation, pronunciation issue. And somebody after the stroke having the communication disorder, there also we work. I'm doing my BBA in Dubai. So like one of my friends who is having pubophonia. I watched many of the YouTube videos and I felt very convincing. So I just came for here for the treatment. एक्चुअली मैं दिल्ली से आया हूँ और इसके पहले मैं तो दो तीन डॉक्टर को भी दिखा दिया। मैं पीवर फोनिया के लिए आया था। इसके पहले मेरे वॉइस में लाइक हाई पीच फ्रीक्वेंटली आते थे, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद इट्स लाइक वेरी कॉमन वॉइस, मेल वॉइस। इन्हें वॉइस मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। Like saying different vowels, and we do that laryngeal manipulation. We have to touch the thyroid cartilage and manipulate it to check where the voice is coming good. And depending upon that, we ask to do some exercise and also maybe once you'll see, you'll get better. But in a simple way, I can say that some vocal exercise or by some behavioral modification. Sir, पहले high pitch voice की problem थी, feminine voice थी, लेकिन अब काफी अच्छा है। सर, जब मैंने दोस्तों पे कॉल किया तो बोले कि भाई तू तो लड़की से लड़का बन गया है। घर वाले बोले अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है सुन के नई आवाज को। आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर नाउ। अर्लियर व्हाइल गिविंग प्रेजेंटेशन एंड ऑल और इन मीटिंग्स, सो माय वॉइस वाज नॉट ऑडिबल मच एंड देयर वर सम ब्रेकेजेस, सम नॉइसेस वेर कमिंग। सो आई थिंक पीपल वेर इग्नोरिंग मी इन दोज सिचुएशंस। While putting my ideas also, many people could not recognize what it is. Even after recognizing, they were like, just leave it, why to listen to him. So from my inner side, I used to get a feeling that if I had good voice, I can put my ideas better and it would be good for company also. Hi, मेरा नाम बापन है, मैं कलकत्ता वेस्ट बंगाल से आया हूँ। तो मैं यहाँ पे 9 फरवरी को आया था थेरेपी के लिए। तो मेरा वॉइस एकदम फेमिनाइन था, फीमेल जैसा। अभी 16 फरवरी 8 दिन का थेरेपी था, आज लास्ट डेट है। तो अब मेरा जो प्रॉब्लम था पीवर फोनिया जो डिजीज था, वो पूरा क्योर हो चुका है। अब मेरा बहुत वॉइस बहुत लो पिच हो चुका है। तो आई एम हैप्पी विद दिस एंड आई रियली हैप्पी एंड माई कॉन्फिडेंस लेवल इज इंक्रीज मोर देन आई एक्सपेक्ट। ये स्काइप द्वारा भी अपने इंटरनेशनल पेशेंट्स को स्पीच थेरेपी देते आ रहे हैं। वीडियो यू आर वॉचिंग इन द यूट्यूब, हिज सन वॉज 16-17 ईयर्स ओल्ड एंड ही वॉज हैविंग अ डिप्लोफोनिया एंड फेमिनाइन वॉइस एंड ही कॉन्टेक्टेड मी। ही वॉज ट्राइंग समवेयर बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड देन आई गिव ट्रीटमेंट ऑन द स्काइप एंड हिज वॉइस इम्प्रूव्ड। आज बिजनेस गली में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।